हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एस एल टीच में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके स्मॉल 3 पॉइंटों के अंतर्गत जो आपकी वर्कशीट चल रही हैं, तो उसी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये जो है आपके क्लास 11 सब्जेक्ट भूगोल की जो है आपकी वर्कशीट है, जिसमें चैप्टर 3 है। यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है तो मैं आपको बता दूँ, ये 17 तारीख है यानी कि आज का। यहाँ पर टॉपिक देखे हैं भूकंप के प्रकार, इसका पार्ट 4 है, ठीक है। तो इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहला है कि भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखेंगे कि भूकंप विज्ञान भूकंप और पृथ्वी की संरचना का अध्ययन दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से उत्पन्न भूकंपी तरंगों द्वारा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंपीय तरंगों का आलेख किस यंत्र से होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सीमोग्राफ कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर है कि भूकंप के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि भूकंप के प्रभाव तो विवर्तनीय भूकंप या यह भूकंप का सबसे सामान्य रूप है, जिसमें पहला ज्वालामुखी भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप की तुलना में इस प्रकार का भूकंप कम सामान्य है। उसका दूसरा है कि संचित भूकंप, इस प्रकार का भूकंप भूमिगत खानों में आता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि विवर्तनीय भूकंप का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विवर्तनीय भूकंप यह भूकंप का सबसे सामान्य रूप है, यह आमतौर पर पृथ्वी की क्रस्ट में मौजूद प्लेटों की गति के कारण होता है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ज्वालामुखीय भूकंप टेक्टोनिक भूकंप की तुलना में इस प्रकार का भूकंप कम सामान्य है, इस प्रकार के भूकंप ज्वालामुखी के विस्फोट से पहले या बाद में आते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बांध जनित भूकंप की व्याख्या करें। मैं अब आपको बताऊँगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई डाउट हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट समझना आए, या बोर्ड्स हो या जेई नीट, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चंस का पिक्चर्स लें या फिर उन्हें टाइप कर सबमिट कर दें, और फ्लो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप मैं कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, ये इतना सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इस ऐप को जाकर डाउनलोड करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यदि बांध क्षतिग्रस्त हो जाए जो बाढ़ भूकंप का द्वितीयक प्रभाव हो सकता है, भूकंप के कारण भूमि फिसल कर बांध की नदी से टकरा सकती है, जिसके कारण बांध टूट सकती है और बाढ़ आ सकती है। तो ये था दोस्तों पूरा पूरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।